हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? देखिए, मिस्ट्री ट्रायल्स एक आर्टिकल आया है, मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। इंडिया मस्ट लेवरेज टाइज विद कतार टू फ्री इट्स सिटीजन फेसिंग डेथ पेनल्टी। तो इंडिया कतार कहाँ पर है, चलिए पहले लोकेशन देख लेते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया, और यहाँ से आप देखिए हम जाते हैं, ये अरेबियन सी हो गया आपका, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है, ये ओमान, ये रहा आपका यमन, ये रहा और ये सऊदी अरेबिया। यहाँ पे आप ये पेनिनसुला देख रहे हैं, ये है आपका कतार। तो थोड़ा सा जूम इन करते हैं ताकि हमें थोड़ा और प्रॉपर लोकेशन मिले। आप देखिए, ये हो जाता है हमारा कतार, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसके लोकेशन कहाँ पर क्या क्या है। तो चलिए, ये अपना आप देखिए कतार है, ठीक है। इसका कैपिटल आपका दोहा हो गया। ये कहाँ पर है? ये पर्शियन गल्फ में है। इंडिया से आने के लिए कैसे आना होगा? गल्फ ऑफ ओमान से, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, ये आप देखिए, ये सऊदी अरेबिया है। ये आपका छोटा सा जगह दिख रहा है, ये आइलैंड जैसा, ये बहरीन है। इसका कैपिटल आपका मनामा हो गया, ठीक है। ये आपका यूएई हो गया, ठीक है। अबू धाबी आप देखिए कैपिटल है। ये आपका ओमान है, इसका कैपिटल मस्कट है। तो ये सारी चीज़ें मतलब हमें पता होनी चाहिए कि लोकेशन कहाँ है। तो इंडिया से आप देखिए, यहाँ पे इंडिया है अगर, तो आप इंडिया से कहाँ जाएंगे? अरेबियन सी में। अरेबियन सी ऐसे आप जाएंगे गल्फ ऑफ ओमान में। गल्फ ऑफ ओमान से आएंगे कहाँ आप? पर्शियन गल्फ में, और उसके बाद आप आएंगे कतार में। ये तो आपका हो गया वाटर रूट। अब इंडिया से आप आएंगे अरेबियन सी में, अरेबियन सी से आप आएंगे ओमान में, ओमान से आप आएंगे यूएई में, यूएई में, यूएई से आप आएंगे सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया से आप आएंगे कतार में। क्योंकि आप देखिए, ये बॉर्डर शेयर नहीं हो रही है यहाँ पे, इसकी बॉर्डर सिर्फ एक ही कंट्री से शेयर होती है, जो है आपकी सऊदी अरेबिया। ऊपर में यहाँ पे ईरान है। तो ये तो लोकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देख लेते हैं एक बार आर्टिकल क्या है। द डेथ सेंटेंस हैंडेड डाउन बाय अ कतारी कोर्ट ऑन थर्सडे टू 8 इंडियंस रिपोर्टेडली अक्यूज्ड ऑफ एप्सियोनिज, मतलब यहाँ पे वो लोग स्पाय थे, इज इंडीड डीपली शॉकिंग एज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डिस्क्राइब्ड इन ए स्टेटमेंट एंड द सिचुएशन इज नाउ अ मेजर टेस्ट ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स डिप्लोमेटिक स्किल। द ट्रायल वॉज श्राउडेड इन सीक्रेसी विथ स्कैंट इंफॉर्मेशन ऑन द चार्जेस एंड एविडेंस अगेंस्ट द फॉर्मर इंडियन नेवी सर्विसमैन अरेस्टेड इन ऑगस्ट 2022। डिस्पाइट प्लीज फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड इंडियन डिप्लोमेट्स इन दोहा, कतार हैज नॉट एक्सप्लेन्ड वाई इट हैज नॉट डिव्यूज डिटेल्स ऑफ द केस, मतलब इन्होंने डिटेल हमें केस के क्यों नहीं दिए हैं। Even the judgment has yet to be shared with New Delhi. Leaked reports suggested that the men have been accused of sharing secret information pertaining to a stealth submarine program they worked on with a third country, a charge their family have denied. तो उनके फैमिली ने बोला ऐसा नहीं है, ये कह रहे हैं इन्होंने सबमरीन की डिटेल आगे किसी थर्ड कंट्री को दी है। Visits by Indian official to Qatar to plead for लीनियंसी एंड ट्रांसपेरेंसी हैव बीन ऑफ नो अवेल। तो इंडियन यहाँ पे गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि आप लीनियंट रहे, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रखिए, पर इसमें कतार गवर्नमेंट ऐसा कोई बात मान नहीं रही है। वेल, दिस केस हैज सम पैरेलल ऑफ द केस ऑफ फॉर्मर नेवल कमांडर जाधव हु इज ऑन डेथ रो टू इन पाकिस्तान। द डिफरेंस इज दैट इंडिया टाई विद कतार हैव बीन रिलेटिवली बेटर। Apart from the strategic and defense cooperation agreements, India sources 40% of its LNG needs from Qatar. India is also Qatar's third biggest source of imports, particularly raw material for construction and fresh food items. Pertinently, these supplies continued despite the blockage against Qatar in 2017, which should have counted for some goodwill towards India. In addition, 70 lakh Indian expatriates आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ कतार इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री एंड वर्क फोर्स। रिफ्ट इन टाइज विच सेंटेंस लाइक दिस इज बाउंड टू इंजेंडर विल बी टू डिट्रीमेंट
of both countries and India must make this clear to Qatar. तो आप देखिए इंडिया के लिए भी कतार हमने देखा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंडिया के लिए हम देखें यहाँ पे 40% ऑफ, आप देखिए LNG, ठीक है, लिक्विडफाइड नेचुरल गैस। और कतार के लिए भी इंडिया इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप देखिए रॉ मटेरियल कंस्ट्रक्शन का हो गया, फूड आइटम, रॉ मटेरियल कंस्ट्रक्शन का हो गया, फूड आइटम्स, जो फ्रेश फूड आइटम्स है वो इंडिया सप्लाई करता है। 7 लाख यहाँ पे लोग इंडिया से जाके कतार के अलग अलग इंस्टीट्यूशन में पार्ट ले रहे हैं। द गवर्नमेंट मस्ट वेस्ट नो टाइम इन चार्टिंग द नेक्स्ट स्टेप टू इंश्योर इंडियंस आर गिवन द बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट इन एन अपील, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द लीगल अपील्स प्रोसेस एंड डिप्लोमेटिक लीगल वर्क, चैनल्स टू कतारी लीडरशिप शुड बी एक्टिवेटेड एट द हाइएस्ट लेवल, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इफ नेसेसरी। अ केस मस्ट बी मेड फॉर क्लेमेंसी एंड कम्यूनिटिंग द सेंटेंस टू जेल टर्म्स दैट कुड इवन बी सर्व्ड आउट इन इंडिया इफ द मेन आर इंडीडेड फाउंड गिल्टी इन द अपील प्रोसेस। नॉट विथ स्टैंडिंग रिपोर्ट्स दैट सीक टू टाई द वर्डिक्ट टू मोर जियो पोलिटिकल कंसिडरेशन, इंक्लूडिंग परसीव्ड कतारी डिफरेंसेस विथ इंडिया ओवर इट्स पॉलिसी ऑन इजराइल एंड पैलेस्टीन इन अ करेंट कॉन्फ्लिक्ट, द गवर्नमेंट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट द लाइव्स ऑफ द मैन आर इंडीड अ प्रायोरिटी ऑफ देयर कंट्री एंड फॉर अ गवर्नमेंट द क्लेम दैट क्लेम्स अ पॉलिसी ऑफ नो इंडियन लेफ्ट बिहाइंड। तो अब देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ क्या इशू क्या है, जो देखिए हमने लोकेशन देख लिया था, ये इंडिया है, ठीक है, ये रहा आपका इंडिया। ये थोड़ा गलत बन गया यहाँ पे, मैं सही बनाता हूँ, नहीं तो लगेगा कि मेरे को आता नहीं है, मेरे को सही आता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए अरेबियन सी आ गया, गल्फ ऑफ ओमान आ गया, और फिर हम देखेंगे पर्शियन गल्फ आ गया, और यहाँ पे आप देखेंगे हम आपका कतार है। कतार का क्या है? दोहा, ठीक है। यहाँ पे हमारे नेवी वालों को इन्होंने पकड़ा है, बोला है कि सबमरीन की जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्होंने शेयर की है थर्ड कंट्री के साथ। अब 40% ऑफ LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंडिया को देता है कतार। इंडिया क्या देता है उसको? 7 लाख लोग दे रहा है, पहली बात तो 7 लाख लोग मैन पावर दे रहा है उसके इंस्टीट्यूशन में, फ्रेश फूड आइटम्स दे रहा है, उसके बाद से आप देखिए यहाँ पे रॉ मटेरियल दे रहा है फॉर कंस्ट्रक्शन, ये 1, 2, 3। तो हम लोग क्या है, इम्पोर्टेंट तो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात आप देखिए, हमने यहाँ पे देखा है जब 2017 में गल्फ ब्लॉकेज हुआ था कतार के अगेंस्ट, तो वहाँ भी हम ये सारी चीज़ें उसको सप्लाई कर रहे थे, मतलब हमने कतार को छोड़ा नहीं था, लेफ्ट बिहाइंड नहीं छोड़ा था हमने कतार को। अब इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि वहाँ पे कम्यूटेशन होना चाहिए या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का उन लोगों को आप दे दो, और वो लोग आके इंडिया में भी उन लोग को जेल टर्म्स हम लोग यहाँ पे सर्व करवाएंगे, अगर वो लोग गिल्टी मिलते हैं तो क्लेमेंसी करो, जैसे ऑर्डिनेंस होता है वैसे ही यहाँ पे ये काम किया जाए। क्यों इंडियन का क्या पॉलिसी है? नो इंडियन लेफ्ट बिहाइंड, ये इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है, नो इंडियन लेफ्ट बिहाइंड, ये हमारी पॉलिसी है। तो वो लोग इंडियन है तो उनका ख्याल रखना हमारा काम बनता है। तो अब आप देखिए क्या होता है क्या नहीं होता, ये टाइम बताएगा, बस इतना ही था इशू। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।